इस जन समारोह को अपना मूल्यवान उद्बोधन प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विशेष आग्रह करती हूँ कि वे समारोह को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। त्रिपुरा ने तक हक बुखोक रोग जोटो नोनो नोनो हमजा कमों ताई खलुमो माँ याकारो महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य देव वर्मानी ओ हस्ते हो अंग ताई वैसा पायु बेलायो तोंथोक्का त्रिपुरा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव कुमार देव उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण और यहां भारी संख्या में पधारे हुए मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों माँ त्रिपुरा सुंदरी की धरती पर आप सभी के बीच आने का एक बार फिर सौभाग्य मिला है। यहां पर दशकों बाद जो आपने परिवर्तन किया है उसका संतोष आपके चेहरे पर मैं देख सकता हूं। अजी पूरे रास्ते पर जब लोग थे तो मैं देख रहा था कि 11 महीने पहले आपको जो मुक्ति मिली है उस मुक्ति का आनंद आपके चेहरे पर नजर आ रहा था। बीते 11 महीनों में आपने लोकतंत्र और विकास को सही मायने में अनुभव किया है। त्रिपुरा के विकास को, त्रिपुरा के विश्वास को नए रास्ते पर ले जाने के लिए मैं यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आने से पहले मुझे एयरपोर्ट कैंपस में महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर जी का उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला। जिन्होंने त्रिपुरा के लिए सपने देखे हैं, जिन्होंने उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास किया, ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का एयरपोर्ट पर लगना यहां आने वाले हर व्यक्ति को सकारात्मकता से भरने वाला है। वीर विक्रम जी की प्रतिमा त्रिपुरा के हर जन को विकास के विजन के लिए प्रेरित करने वाली है। साथियों, त्रिपुरा के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बीते 4.5 वर्ष से त्रिपुरा के लिए पर्याप्त फंड जारी किया गया, लेकिन पहले की सरकार के रवैये के चलते यहां काम नहीं हो पाया था। लेकिन वर्तमान सरकार अब त्रिपुरा के विकास को गति देने में जुटी है। मुझे बताया गया है कि राज्य के इतिहास में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएसपी के आधार पर पहली बार त्रिपुरा राज्य में किसानों से धान खरीदा है।
मैं हैरान हूं दिल्ली में बड़े बड़े भाषण झाड़ने वाले नेता जब यहां उनकी पार्टी की सरकार थी एमएसपी पर किसानों का धान खरीदने का भी काम जिन्होंने नहीं किया, देश को ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा, उनको बेनकाब करना पड़ेगा। इसके अलावा सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू कर लाखों कर्मचारियों का ध्यान भी रखा गया है। ये काम जो मजदूरों के नाम पर राजनीति करते हैं, कामगारों के नाम पर राजनीति करते हैं, दुनिया भर को मजदूरों के हक के भाषण देते हैं, उन्होंने त्रिपुरा में इतने साल शासन किया लेकिन पे कमीशन के रिपोर्ट की कभी परवाह नहीं की। एक प्रकार से जिस त्रिपुरा को पहले की सरकार ने अलग थलग करके रखा था, वो अब सही मायने में हमारा त्रिपुरा देश की मुख्य धारा में जुड़ रहा है। साथियों, त्रिपुरा के सामान्य मानवी के हित को विस्तार देते हुए अभी अभी मैंने सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। अगरतला सबरूम रेलवे लाइन का गर्जी बेलोनिया सेक्शन हो या त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नया कैंपस, ये यहां के युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने वाले हैं। साथियों, चुनाव के समय जब मैं यहां आया था तो मैंने विकास के हीरा मॉडल की बात की थी, HIRA। लोग चुनाव में बोलते हैं बाद में भूल जाते हैं, मैं सामने से याद करा रहा हूं। HIRA, मैंने हीरा की वकालत की थी। इसका मतलब था हाईवे आईवे रेलवे एयरवे, HIRA। अगरतला से सबरूम तक का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हो, रेल लाइन हो, हम सफर एक्सप्रेस हो, अगरतला देवधर एक्सप्रेस हो, अगरतला के एयरपोर्ट में बन रहा दूसरा टर्मिनल हो, ये सारे प्रोजेक्ट त्रिपुरा के उसी हीरा मॉडल की झांकी है। इन प्रोजेक्ट से त्रिपुरा में रोजगार के नए अवसर पैदा होने वाले हैं, यहां उद्योगों की संभावनाएं बनने वाली हैं। साथियों, जिस त्रिपुरा को लैंडलॉक राज्य बताकर विकास का हक छीना गया, उस त्रिपुरा को हम साउथ ईस्ट एशिया का नया गेटवे बना रहे हैं। बांग्लादेश सरकार के सहयोग से चिटगांव और आसुगंज पोर्ट के रास्ते त्रिपुरा को वाटर कनेक्टिविटी का फायदा मिलने वाला है। फैनी नदी पर पुल पर भी तेजी से काम चल रहा है। जब ये पुल पूरा हो जाएगा, गोमती नदी को गहरा करने का काम पूरा हो जाएगा, तब त्रिपुरा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का नहीं साउथ ईस्ट एशिया का कॉमर्शियल हब बनने के रास्ते पर चल पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, ये गोमती नदी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई क्या? पहले ठीक नहीं थी? पहले थी ना, विप्लव जी मुख्यमंत्री बने उसके पहले भी गोमती तो थी ना, आपको दिखती थी? पहले वाली सरकार को नहीं दिखती थी। हमने उस गोमती को गहरा करके उसी में जहाज चलाने का फैसला किया है। भाइयों और बहनों, बीते महीनों के दौरान यहां की सरकार ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके जीवन को आसान बनाने का लगातार प्रयास किया है। गरीबों का राशन हो, जमीन का मामला हो या फिर दूसरी सेवाएं,
बाकी देश की तरह इंटरनेट से जनता को सुविधाएं देने का काम तेज गति से चल रहा है। इस डिजिटल अभियान से बिचौलियों पर बराबर की लगाम लग गई है और मुझे बताया गया कि हमारे त्रिपुरा में 62,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था जो लोग थे ही नहीं, सिर्फ कागज पर ही पैदा हुए, कागज पर ही बड़े हुए और कागज पर ही रुपये लेते गए। ये फर्जी लोग आपका पैसा लूटकर किसकी तिजोरी भर रहे थे यह आप भली भांति जानते हैं। साथियों, इस तरह बीते 4.5 वर्षों से देश भर में ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले 8 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हमने बाहर कर दिया है। ये वो लोग थे जो दूसरे गरीब का राशन खा जाते थे, पेंशन खा जाते थे, स्कॉलरशिप हड़प जाते थे। ये पूरी व्यवस्था किसने बनाई? आप मुझे बताइए कि बिचौलियों और दलालों की ये पूरी व्यवस्था किसने तैयार की? जरा जोर से बताइए, कौन लोग हैं जिम्मेवार, किसने बर्बादी की? साथियों, दिल्ली में जिनकी 55 सालों तक सरकार थी और यहां जिनकी 2 दशक तक सरकार रही, असल में इन्हीं दोनों साथियों की जुगलबंदी ने ये पाप किया था, ये कमाल किया। गुंडों और भ्रष्टाचारियों, बिचौलियों की महामिलावट के इन साथियों का एक कमाल था जिसने त्रिपुरा और देश के गरीब मध्यम वर्ग के हक पर डाका डाला। साथियों, महामिलावट, ये महामिलावट के साथी दलालों बिचौलियों के सबसे बड़े संरक्षक रहे। ये फिर से दिल्ली में एक बार सपना देख रहे हैं कि दिल्ली में हो सके उतना जल्दी एक मजबूर सरकार बन जाए। मजबूत सरकार से उनको ज्यादा परेशानी हो रही है। आप मुझे बताइए, देश को मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना बड़ा देश मजबूत सरकार बिना चल सकता है? मजबूत सरकार के बिना फैसले हो सकते हैं? मजबूत सरकार के बिना देश आगे बढ़ सकता है? मजबूत सरकार के बिना नौजवानों का भविष्य बन सकता है? उन्हें तो मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि मजबूर सरकार होगी तो उनके घर भरने में सुविधा रहेगी, उनके वंश वारिस की सेवा करने की सुविधा रहेगी, तिकड़मबाजी करने के लिए मैदान खुला मिल जाएगा। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, देश को मजबूत सरकार मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मोदी को गाली देने का आजकल कंपटीशन चल रहा है, ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक। ये महामिलावट में यही काम चल रहा है। अवसरवादिता की हद देखिए। आप मुझे बताइए, ये महामिलावट वाले दिल्ली में हाथ पकड़ पकड़ करके फोटो निकालते हैं, कलकत्ते में जाकर के हाथ पकड़ पकड़ करके फोटो निकालते हैं, ये त्रिपुरा में एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार है क्या? है क्या? केरल में है क्या? बंगाल में है क्या? लेकिन देश को भ्रमित करने के लिए हाथ में हाथ मिला करके महामिलावट का अभियान चला रहे हैं। और करना क्या,
जब भी मिलो मोदी को गाली दो। इनको लगता है कि जनता इनकी तरह ही अपने विवेक पर पर्दा डाले हुए हैं, उसको ये महामिलावट का खेल समझ नहीं आता। असल में ये अभी भी पुराने वाले दौर में जी रहे हैं कि इनके झूठ को कोई पकड़ नहीं पाएगा। जिस तरह विधानसभा के चुनाव में आपने इनको सच्चाई दिखाई, उसी तरह अब लोकसभा चुनाव में देश की जनता बताएगी कि लोगों से झूठ बोलने का मतलब क्या होता है। भाई और बहनों, इनसे अगर कोई पूछे कि बताओ भाई किसान के लिए आपकी क्या योजना है, क्या एजेंडा है, जैसा ही आप पूछोगे कि किसान के लिए क्या करोगे, तो उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं आप याद रखना, आप उनको किसान का पूछोगे वो मोदी को इतनी गाली देंगे। अगर आप इनसे पूछोगे कि मजदूर के लिए, श्रमिक के लिए क्या करोगे, उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जवाब नहीं देंगे वो मोदी को उससे जरा बड़ी गाली देंगे। इनसे पूछो कि युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए क्या करोगे, तो जवाब देने के बजाय वो मोदी को उससे भी बड़ी गाली देंगे। जितने सवाल उतनी गाली बड़ी होती जाती है। हर सवाल का जवाब उनके पास एक ही है, मोदी को गाली दो, मोदी को बड़ी गाली दो, मोदी को जोर से गाली दो, मोदी को जितनी हो सके उतनी गाली दो, यही इनका काम है। भाइयों और बहनों, असल में महामिलावट के ये साथी जान चुके हैं कि देश के युवा, देश के गरीब, देश के किसान, वो अपनी आकांक्षाएं मोदी पर भरोसा करके देख रहा है, आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। मोदी जो काम करता है उससे ही विश्वास जगता है, उसी से उम्मीदें अधिक होती है। और ये सारे मोदी विरोधियों को भी भली भांति पता है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में जो काम सरकार ने किए उसको और विस्तार देते हुए इस वर्ष के बजट में सबका साथ सबका विकास के रास्ते को और मजबूत किया गया है। किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो या मध्यम वर्ग, हर किसी के लिए बजट में ऐसी व्यवस्था की गई है जैसी पहले सोची तक नहीं गई थी। भाइयों और बहनों, इस बजट में हमने ऐसे लोगों की चिंता की है जिनके बारे में पहले की सरकारों के समय सिर्फ नारे लगाए गए, सिर्फ वोट बटोरे गए। अब आप ही बताइए, जो घरों में काम करते हैं, जो सड़कों या घरों के निर्माण से जुड़े हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, रेहड़ी या ठेला चलाते हैं, ऐसे असंगठित क्षेत्रों के करोड़ों मजदूर बहन भाइयों के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए पहले की सरकारों ने क्या किया? ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले तो मजदूरों के मसीहा अपने आप को बताते हैं, लेकिन उनको अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए कुछ भी करने की सूझी नहीं। दिल्ली सरकार के पार्टनर थे, यहां इतनी लंबी सरकार चलाई, लेकिन कभी उनको अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की याद नहीं है। ये क्या किसी ने इस वर्ग के लिए आज तक कोई बड़ी योजना बनाई? साथियों, पहले की सरकारें ये काम इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। चाय वाले की सरकार ने सही नीयत के साथ एक बड़ी योजना बनाई है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसके तहत असंगठित कर्मचारियों की तरह, अन्य कर्मचारियों की तरह असंगठित कामदार श्रमिकों को भी, मजदूरों को भी 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की एक नियमित पेंशन मिलेगी।
जिन बहन भाइयों की मासिक कमाई 15,000 रुपये से कम है, वो औसतन 100 रुपये का छोटा सा मासिक अंशदान देकर इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसमें भी जितना अंशदान श्रमिक का रहेगा उतना ही केंद्र सरकार उनके पेंशन खाते में डालेगी, हर महीना डालेगी। साथियों, इसी तरह किसानों, पशुपालक और मछुआरों के लिए भी अनेक प्रबंध किए गए हैं। किसानों के लिए इतिहास की सबसे बड़ी योजना बनाई गई है, पीएम किसान योजना। इसके तहत त्रिपुरा सहित देश भर के करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में केंद्र सरकार जमा करेगी, और ये 2,000 की 3 किस्तों में जमा होंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी पहली किस्त किसानों के खाते में पहुंच जाए। इसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है। इसी तरह पशुपालकों के लिए भी अब किसानों की तरह क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है, ताकि वो अपनी जरूरतों के लिए बैंकों से सस्ता ऋण ले सके और साहूकार के चंगुल में फंसने से बच सके। मछुआरों के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाने का फैसला लिया गया है। इससे मछुआरों से जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा हो सकेगा। साथियों, ये सभी कार्यक्रम उन योजनाओं की भी ताकत देंगे जो बीते 4.5 वर्ष से चल रहे हैं। जैसे आयुष्मान भारत योजना के तहत त्रिपुरा के गरीब परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब को मुफ्त में रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है। जिसके पास घर नहीं है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय दिया जा रहा है। गरीबों को 1 रुपये महीने और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर 2,00,000 रुपए तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मुझे बताया गया है कि त्रिपुरा में 11 महीने के भीतर ही 2,00,000 से अधिक गैस के कनेक्शन। इतना छोटा सा त्रिपुरा राज्य 11 महीने में 2,00,000 से अधिक गैस के कनेक्शन, 20,000 से ज्यादा घर बना करके गरीबों को दिए हैं, 1,25,000 से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। ये तमाम योजनाएं आज गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में काम आ रही है। साथियों, त्रिपुरा की पहचान जनजातियों से भी है। इस साल के केंद्रीय बजट में जनजातियों के लिए बजट में बहुत बड़ी वृद्धि की गई है। साथ में गुमंतु नॉमेडिक ट्राइब, इस समुदाय की पहचान के लिए पहली बार आयोग बनाने का फैसला भी लिया गया है। भाइयों और बहनों, हमारी केंद्र सरकार ने ऑटोनोमस काउंसिल को सशक्त करने की लंबी समय से चल रही मांग को पूरा करने की तरफ भी कदम बढ़ाया है। कानून में बदलाव करके हमने सिर्फ काउंसिल को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, बल्कि काउंसिल के अधिकारों में भी बढ़ोतरी करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि कानून में बदलाव के बाद हर इलाके का संतुलित विकास होगा और तेजी से विकास होगा। साथियों, विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इसी रास्ते को हम निरंतर मजबूत कर रहे हैं। त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिपुरा के युवाओं को पढ़ाई और कमाई से जोड़ने के हमारे अभियान का ही एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हम इंस्टीट्यूट से यहां के युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके उज्जवल भविष्य की नींव सशक्त होगी। त्रिपुरा की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए राज्य की सरकार निरंतर अनेक कदम उठा रही है। पहले की सरकार ने जो अव्यवस्थाएं फैला रखी थी उनको दूर किया जा रहा है। साथियों, मुझे बताया गया है कि युवाओं को कमाई के समान अवसर देने के लिए राज्य सरकार ने एक गलत परंपरा को यहां की व्यवस्था से हटा दिया है। पहले सरकारी नौकरियों में एक पार्टी के और उनका डर से जुड़ा लोगों को ही लिया जाता था। इस परंपरा को अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब त्रिपुरा के हर युवा को मेरिट के आधार पर चयन करने की एक पारदर्शी व्यवस्था तैयार की जा रही है। मुझे ये देखकर संतोष होता है कि अब यहां हिंसा का, डराने धमकाने का दौर चला गया है और त्रिपुरा शांति से विकास की नई ऊंचाई को छूने के लिए निकल पड़ा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि त्रिपुरावासी अब आराम से माता त्रिपुरेश्वरी का आशीर्वाद ले सकता है, हवन कर सकता है। पूजा, हवन, दिवाली, होली सभी त्योहारों को पूरी आजादी के साथ सभी त्रिपुरावासी मना सकते हैं। भाइयों और बहनों, 11 महीने पहले आपने जो नए त्रिपुरा के लिए अपना वोट दिया था उसको और शक्ति देने के लिए हम नए भारत के लिए नया जनादेश भी आपको देना है। अगरतला और दिल्ली में विकास का ये डबल इंजन चलता रहे इसके लिए आपको जुटे रहना है। आपके विश्वास से ही विकास के नए रास्ते खुलेंगे। केंद्र सरकार त्रिपुरा विकास ए समर्पितो त्रिपुरा राज्य के भारत बोर्शेर अन्योतमो स्थान बनाबो। मैं फिर एक बार आपका आशीर्वाद के लिए, इतनी विशाल संख्या में आने के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।